आभास की राशि है। अभी ये घटना परसों के दिन रात की है। परसों के दिन रात को ही उसके मामा का मेरे पास 12:30 बजे फोन आया था, पर मैं किसी कारण से नहीं आया था। नहीं था फिर सुबह में आया जो हमारे बच्ची है, बच्ची जो भी नाम है मैं नाम नहीं बताता, पर उसकी जो नानी है, नानी के लकवा हो गया था। लकवा होने के कारण जातला माता का स्थान है भादु ग्राम पंचायत के अंदर, माता जी का बहुत ही बढ़िया स्थान है, वहाँ बहुत सारे मरीज सही हो रहे हैं। वहाँ उनकी नानी की सेवा करने के लिए वो बच्ची वहाँ रही थी। बच्ची के माता पिता नहीं है, दोनों माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, बच्ची की 13 साल है। शाम को सेवा पूजा करते वक्त पेशाब करने के लिए बाहर गई और वहाँ काम करने वाले समाज विशेष के जो लोग हैं वो गुजर समाज की एक धर्मशाला बन रही है, उसका पुट्टी और रंग रोशन का लिपाई पुताई का काम कर रहे थे। वो मजदूर भी पिछले 7-8 दिन से वहीं थे और 7-8 दिन से ये पीड़िता जो थी ये भी इसकी नानी के साथ उनकी सेवा कर रही थी। तो शाम को 7 बजे वो बच्ची पेशाब करने के लिए बाहर गई तो एक व्यक्ति ने उसके मुंह दबा दिया और मोटरसाइकिल बिठा के, जैसा बच्ची ने बताया, मुंह दबाकर उसको अपहरण कर लिया। अपहरण करके उसके साथ गैंगरेप किया। शाम को 8 बजे मिस हुई और सुबह 4:30 के 4:30 के बीच में उस बच्ची को वापस मंदिर के बाहर जो चबूतरा है उससे बेहोशी की हालत में वहाँ छोड़कर चले गए। बच्ची के कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। अब वो रात को कहाँ ले गए, क्या किया नहीं किया, ये जांच का विषय, जांच का काम पुलिस मंडल पुलिस का है। कल से हम मांग कर रहे हैं कि हमारे को निष्पक्ष जांच करें और इस जांच को अगर राजनीतिक दबाव के कारण दबाया गया तो मैं आप मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर बच्ची के साथ गलत किया गया है, इस जाँच को दबाने की कोशिश की तो इसकी उग्र आंदोलन किया जाएगा और सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। हमारे को न्याय चाहिए, हम न्याय के साथ, हम गलत के साथ नहीं है। मेरा काम न्याय दिलाने का है, पीड़ित परिवार के साथ रहने का है, मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ। मेरे को जो इनपुट मिल रहे हैं अंदर से कि भाई बच्ची के साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, मेडिकल में नहीं हुआ। अभी मैं अंदर गया था डीपी साहब से मिलने, क्योंकि जांच डीपी साहब ही कर रहे हैं। इस संदर्भ में मेरी कल एसपी साहब से भी, वहाँ लाछुड़ा में जो घटना हुई थी वहाँ भी मेरी बात हुई थी और एसपी साहब ने भी आश्वासन दिया कि हम इसको निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी मैं अंदर जाके डीपी साहब जो कार्रवाई कर रहे हैं मैं उनसे मिलने गया, अभी तक क्या हुआ नहीं हुआ वो हमारे को अभी तक की प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएं। मेरे को जैसा सुनने में आया है कि बच्ची के साथ कुछ ही हुआ, इसको लीपा पोती करके केस को रफा दफा करके और उन मुजरिमों को जरिमों को फ्री करना चाह रहे हैं और इस बच्ची को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। अभी शायद डीपी साहब शहर में किसी काम से गए हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं, आते हैं मिलेंगे। अभी तक क्या हुआ, अगर इस केस के साथ लीपा पोती की गई, उलझाने की कोशिश की, इसको अगर खत्म करने की कोशिश की, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ शासन प्रशासन को, इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम धार्मिक भावना भड़काने से नहीं देखें। हमारे जो पिछले मानवी का 16 दिन पहले का मंदिर प्रकरण हुआ था ये उसको उसमें जोड़कर देखना चाहते हैं। ये उदयलाल भटाना हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मैं मेरी बात सुनो, मुस्लिम भी कोई हमारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर जो दरिंदे हैं या गुनाहगार हैं तो वो दरिंदों की गुनाहगार की कोई जाति नहीं होती है, वो मुस्लिम भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसलिए हमारी समाज विशेष से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जिन दरिंदों ने जो लड़ाई की उन दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर शासन प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी तो जो भी अगर माहौल खराब होता है या उसके आगे की जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मैं मीडिया के माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। अभी हम डीपी साहब से मिलेंगे, ये हमारे को संतोषपूर्वक जवाब नहीं देंगे तो हम एसपी साहब से फिर मिलेंगे और फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो एसपी साहब के बाद भीलवाड़ा मुख्यमंत्री जी को नाम बढ़ा महाज्ञापन दिया जाएगा। अगर हो सकता है तो मंडली बंद किया जाएगा या भिलवाड़ा बंद किया जाएगा। फिर अगर यह आंदोलन उग्र होता है तो उसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। ये राजस्थान जाएगा, भिलवाड़ा जाएगा, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते मेरे से जो बनता है मैं इन हिंदू समाज के भाइयों के साथ खड़ा हूँ, पहले भी खड़ा था आगे भी खड़ा रहूँगा। अगर जो इनके साथ अन्याय होने की कोशिश करेंगे तो मैं, हो सकता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर भी मुकदमा, ये धार्मिक भावना ये भड़काने में कोई, ये भी उदयलाल हर बार आता तो किसी हिंदू, मैंने कभी आके ये नहीं कहा कि मेरे को वोट देना, वोट निकले हुए 3 सालों के 3 साल में एक भी भाई को मैंने कभी ये नहीं कहा कि तू मेरे को 2023 में मैं चुनाव लड़ूंगा मेरे को वोट दे, मैं लड़ूंगा मेरा भी उसे बात करा। लेकिन हिंदू धर्म के लिए मैं जब तक जीऊंगा या मेरी जान में जान है मैं समाज के लिए लड़ता रहूंगा। उस हिंदू के लिए भील समाज से लगा कि राजपूत समाज के तक जितने भी जो बीच में जाते हैं वो सब, वो सारी आती है, तो मैं सबके लिए लड़ने के, ऐसा नहीं लड़ता हूँ, मैं सबके लिए लड़ता हूँ। कल भील समाज के बच्चों की जो
खदान ढहने के कारण उनकी मृत्यु होगी, तो मैं 4-5 घंटे वहाँ भी था। वहाँ भी मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने कहा कि मेरी आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। वो जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी गरीब किसान और मजदूर के लिए उदयलाल भड़ड़ा हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं गुजर समाज का हूँ, जो गुजर समाज की बात करता हूँ, भील समाज की उसकी भी करूँगा, राजपूत समाज की या जाट समाज की, किसी भी समाज की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी आवाज़ उठाने का काम मैं करूँगा। अगर मेरी आवाज़ को दबाया जाएगा तो मैं दबाने नहीं दूंगा। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि भाई हमारी बच्चे के साथ अन्याय होगा तो हम उसके लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन न्याय दिला के रहेंगे। जैसा कि आप बता रहे हो, सूत्रों से भी हमें पता लगा है कि बच्चे के साथ ऐसा रेप हुआ है, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसा हुई अभी हम अब आपके साथ से मिलकर हम वापस उसका मेडिकल करवाना चाहते हैं भीलवाड़ा से, और भीलवाड़ा वाले भी अगर किसी के दबाव में ऐसा नहीं करना चाहते हम सीबीआई की मांग करेंगे। सीबीआई से इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई अपनी बहन बेटी की इज्जत खराब नहीं करना चाहता, किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए मेरी बात सुनो, किसी की बहन की इज्जत खराब नहीं करना चाहता। बहन बेटी किसी की भी हो सकती, वो तो नाबालिग है 13 साल की। अगर किसी को सजा देने के लिए बहन बेटी के साथ ये इन्होंने हरकत की नहीं लगा सकते। लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, गुजर है, लड़ाई कर लेंगे, सर फोड़ देंगे, सर फोड़ा लेंगे, थाने बंद हो जाएंगे, बंद करा देंगे, लेकिन इतना गजा स्तर पर ये गुजर समाज गिरने वाला नहीं है, क्योंकि ये स्वाभिमानी कौम है। पर ये किसी को सजा देने के लिए ना बड़ा जो दुश्मनी निकाल लेंगे, ऐसा घटिया काम नहीं कर सकता, जहाँ तक कि मेरे को विश्वास है। और डिप्टी साहब से मांग करेंगे इस बच्ची का फिर से मेडिकल कराया जाए, और अगर उसके बाद भी इन लोगों ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की तो हम प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई जाँच हो, जब तक हम इस पीड़ित परिवार के साथ और मैं ऐसा नहीं आज हूँ, मैं तो हमेशा से जब तक पिछले 2011 से जनता सेवा में लगा हूँ। 2011 पहले मैं मेरा काम धंधा करता था, लेकिन 11 से मैं जनता हम भी मेरे लिए पहले मेरा देश है, मेरा धर्म है, उसके बाद में जनसेवा, राजनीति मेरे लिए तीसरे स्थान पर, कितने था हमें तीसरे स्थान पर राजनीति में। इनको पूछो कभी नहीं कहता हूँ कहा मेरे को वोट देना, कभी कहा वो एक ही व्यक्ति कभी नहीं कहा, जब चुनाव लड़ूंगा तब कहूंगा। लेकिन ये लोग जो पार्टियों वाले लोग मेरे पे आरोप लगाते, नेतागिरी करता, जहाँ जहाँ भी जाके खड़ा हो जाता, मैंने एक भी दिन कहीं राजनीति की बात की तो बताऊंगी, लेकिन अगर किसी गरीब के साथ खड़ा होना राजनीति है तो मैं ये इनके साथ खड़ा रहूंगा, ये मेरा है, और मैं पीड़ित परिवार के साथ हमेशा खड़ा हूँ, आगे भी रहूँगा।